पहले वाली वीडियो में हमने एलिमिनेशन मेथड से एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चार बिट थे उन चारों को सॉल्व किया था, और आज हम करने वाले एक्सरसाइज 3.4 का बचा हुआ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें पांच क्वेश्चन है और इन पांचों को हम सॉल्व करने वाले हैं। और एक्सरसाइज एलिमिनेशन की, तो हम एलिमिनेशन से ही इसे सॉल्व करेंगे। बाय द वे क्वेश्चन में भी यही चीज लिखी रखी होगी, तो चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन फर्स्ट से। पर हाँ, एक बात ध्यान रखना, मैंने कहा था कि इन वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन तुम बना के रखना, मतलब तुम बनाने की कोशिश करना, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जो वो फर्स्ट टाइम तुम बनाओगे ना, वो काफी इम्पोर्टेंस रखेगा तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए और अननोन क्वेश्चंस के लिए। इसलिए अगर नहीं बनाइए तो वीडियो पॉज करके एक बार आज क्वेश्चन की इक्वेशन बना के देखो और फिर चेक करो कि कितने ज्यादा करीब थे तुम या कितने ज्यादा सही थे। ओके, स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर टू। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, जो कि अभी मैंने तुमको करने के लिए कहा है, और उनके सॉल्यूशन पता करने, जो कि हम बाय द एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ले और इक्वेशन बनाने की कोशिश करें। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। यहाँ पे एक फ्रैक्शन की बात हो रही है और एक फ्रैक्शन बनता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। इसका मतलब हमको सबसे पहले तो सपोज करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। उस बात को नोट करें या माने ले, न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y, तो हमारा देन फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। पहली लाइन में दिया था कि अगर वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर मतलब x में 1 प्लस करें, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर मतलब y, इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे, और फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो जो ये फ्रैक्शन है वो घटके 1 बच जाएगा, मतलब ये हो गया 1। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है इसका आंसर। सबसे पहले इसे थोड़ा और सॉल्व करके एक इक्वेशन बना ले। अगर y माइनस 1 को इधर भेज दे तो यहाँ डिवाइड में यह जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई y माइनस 1। अब 1 का मल्टीप्लाई करने पे सेम आंसर आता है, इसलिए हम इस y को इस साइड में भेज दे, वेरिएबल की साइड में। तो यहाँ पे प्लस का है, मतलब कोई साइन नहीं, इसलिए प्लस का, इधर माइनस का हो जाएगा। और ये प्लस का 1 इस साइड में भेज दे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 1 और यहाँ 1 बन जाए, माइनस 1 बचा, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 1 2, बड़ा नंबर माइनस का माइनस 2। ये हो गया मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगली लाइन दिए इट बिकम्स 1/2। सेकंड कंडीशन के हिसाब से ये फ्रैक्शन 1/2 बच जाता है इफ यू ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में कुछ नहीं किया, जो कि x था, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दिया। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि वो फ्रैक्शन क्या था, अब इसे भी सोल्व कर लेते हैं। 2 या डिवाइड में इस साइड में बचेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2x, और y प्लस 1 या डिवाइड में इधर बचेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 के साथ, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पे सेम आंसर आएगा, इसलिए y प्लस 1। y को इस साइड में भेज देते हैं, यहाँ पे कोई साइन नहीं था इसलिए माइनस में हो जाएगा वाई, और यहाँ बच जाएगा प्लस का वन। अब ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। हमको यूज करनी है एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड की खास बात ये थी कि हमें इसमें से कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, और एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए उसका इक्वल होना जरूरी है। और यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास इक्वल वेरिएबल आ रहा है, जो कि है माइनस वाई, तो नॉर्मली हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसे माइनस कर लेते हैं क्योंकि दोनों सेम साइन के, इसलिए माइनस करना पड़ेगा। मैंने लिखा है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड वाली में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो सेकंड वाली ये है, ये बड़ी थी इसलिए इसमें से माइनस कर रहे, इसको उल्टा भी माइनस करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उल्टा मतलब 1 में से 2 को माइनस करे, वो सब्ट्रैक्ट का, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर दे, 2x में से x माइनस किया तो x बचेगा, बड़ा नंबर प्लस का, ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये प्लस हो गया। अब ये साइन को भूल जाए तो प्लस माइनस माइनस होता है, सेम साइन के सेम नंबर है तो वो जीरो हो जाएगा, इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 और प्लस 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो हमें मिली x की वैल्यू 3।
अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो छोटी इक्वेशन हमें लग रही है ये वाली, तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में भी रख सकते थे, इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई और x की वैल्यू 3, तो 3 माइनस y इक्वल टू है माइनस 2। अब 3 यहां पर कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का, इस साइड में भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, चाहे तो माइनस वाई को भी उधर भेज सकते थे और माइनस टू को इधर भेज देते, दोनों सेम साइन इसलिए प्लस हो जाएंगे, 3 और 2 5, बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस वाई माइनस, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करें तो दोनों प्लस को जाएंगे, इससे आपसे वाई की वैल्यू आ गई 5। तो एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 5 है, पर हमसे ये थोड़ा पूछा था, हमसे तो पूछा था व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन बताना है, मतलब यहां पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। सो फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन था एक्स बाय वाई, एक्स है 3 और वाई है 5, तो हो जाएगा 3/5। क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो सेकंड बेटे, 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब यहाँ पे एज की बात हुई और दो पर्सन है, नूरी और सोनू, और 5 साल पहले की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम उसकी अगर प्रेजेंट एज को कुछ ना कुछ मान लेते, तो हम ले लेते लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू वाई। अब क्या क्या कंडीशन दे रखी है उसके ऊपर चले, तो पहली कंडीशन, पहली लाइन में 5 ईयर है वो, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या खास हुआ होगा इनके एज में, वो ये है जो हमारी एज में भी था, कि हम सब 5 साल छोटे थे, तो नूरी और सोनू दोनों 5 साल छोटे हो गए। 5 ईयर है वो, नूरी वाज थ्राइस, नूरी मतलब एक्स वाली, ये थ्राइस थी सोनू के, तो ये थ्राइस थी, इसे भी थ्राइस कर देते तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये बन जाएगी पहली इक्वेशन, और थोड़ा सा प्रॉपर निकाल लें तो इसे सोल्व कर लेते, x माइनस 5 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3y और 3 का 5 में करें तो 15, वेरिएबल को एक साइड कर देते, कॉन्स्टेंट को एक साइड कर देते, तो x प्लस का 3y इस साइड में माइनस का हो जाएगा और माइनस का 5 इस साइड में प्लस का हो जाएगा, तो ये दोनों सोल्व हो रहे हैं, डिफरेंट साइड के माइनस हो जाएंगे, 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा, बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस का 10, और ये हो जाएगी पहली इक्वेशन, इसे मान भी लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट लाइन पढ़े, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, और 10 साल बाद क्या चेंज आया, दोनों की एज 10 साल बड़ी हो गई, इक्वल लगा दे, अभी तो नहीं लगेगा इक्वल, कुछ ना कुछ चेंज होगा उसके बाद लगेगा। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो ये नूरी जो है एक्स वाली वो ट्वाइस है सोनू की, तो अगर सोनू में भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। आगे हमसे पूछा हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, दोनों की उम्र बतानी है, मतलब जो प्रेजेंट एज है वो बतानी है, इसे आगे और सोल्व कर लेते हैं, एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y प्लस 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 20, वेरिएबल को एक साइड भेज दे, एक्स 2y प्लस का इधर आएगा माइनस का, और 20 यहां था ये प्लस का 10 इस साइड में आएगा माइनस का 10, 20 में से 10 गया तो 10 बचा, एक्स माइनस 2y एज इट इज, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड लगानी है, मतलब एक वेरिएबल सेम करना है, और एक वेरिएबल तो वैसे भी सेम है, इसका मतलब कि हम सबट्रैक्ट करना है, ये इक्वेशन थोड़ी बड़ी दिख रही है, एक्चुअली में बड़ी तो ये इक्वेशन है, फिर भी फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लेते, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट है एक्स माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, सेकेंड है एक्स माइनस 2y इक्वल टू 10, सबट्रैक्ट करना है माइनस, एक्स माइनस एक्स 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों डिफरेंट साइन के तो माइनस हो जाएंगे, 3 माइनस 2y गया तो y बचा, बड़ा नंबर माइनस का है, माइनस का y इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 10 है, यहाँ पे माइनस 10 है, सेम साइन करने से दोनों जुड़ जाएंगे, 20 हो जाएंगे, बड़ा नंबर मतलब दोनों माइनस के इसलिए माइनस का 20, अब दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करें तो y इक्वल टू हो जाएगा 20, ये हमारा हो जाएगा y की वैल्यू। इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं,
इक्वेशन सेकंड थोड़ी छोटी लग रही है, वैसे दोनों में बराबर आते हैं, फिर भी सेकंड में रख लेते हैं, एक माइनस का हमें इसलिए। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड थी x माइनस टू वाई और y की जगह रखने वाले हम 20 इक्वल टू है 10, एक माइनस टू इंटू 20 होता है 40 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस का 40 इस साइड हो जाएगा प्लस का 40, तो 10 और 40 हो जाएगा 50, इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 50, मतलब ये दोनों काफी दूर है उम्र के मामले में। तो सो हमारा क्वेश्चन को लास्ट करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 50 इयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू वाई इक्वल टू 20 इयर्स, ध्यान रखना एज इयर्स में होती है, इस कारण से इयर्स भी लिखना है। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो, कुछ कंफ्यूजन है तो देख लो, खास बात हमें ये देखनी होती है इक्वल का साइन लगाते वक्त हमें किसके अंदर मल्टीप्लाई या प्लस माइनस करना है, ये बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ओके नेक्स्ट पे चले, तो थर्ड हमने एग्जाम्पल में भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था, वो है द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। अब यहाँ पे टू डिजिट नंबर की बात हुई है, एग्जाम्पल में बताया था हमने इसके बारे में, अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो इनको चेकआउट करो, प्लेलिस्ट में से जाके क्लास 10 चैप्टर 3 वाली प्लेलिस्ट को ओपन करो और उसमें एक्सरसाइज 3.4 के बाद जो एग्जाम्पल वाला वीडियो उसको एक बार देख लेना, उसमें हमने अच्छे से समझाया एक बार और अभी भी अच्छे से समझा रहे, अगर समझ में नहीं आता है तो उसको चेकआउट कर लेना। यहाँ पे दो डिजिट के एक नंबर की बात हुई है, एक नंबर को लिखने का तरीका पहले ही बताया था, अगर वंस डिजिट को एक्स और टेंस डिजिट को वाई मान ले या वाइस वर्सा और उससे हम पास पास एक्स वाई के फॉर्म में लिखे तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वो नंबर नहीं देंगे, इस कारण से इसे नॉर्मली जैसे कि 30 + 2 = 32 इस तरीके से लिखा जाता है। इसका मतलब हम लेट करेंगे, वंस डिजिट हो जाएगी एक्स और टेंस डिजिट हो जाएगी वाई, देन नंबर इक्वल टू हो जाएगा वंस डिजिट एक्स है तो वंस डिजिट में वन का मल्टीप्लाई और टेंस डिजिट में टेन का मल्टीप्लाई, तो टेन वाई। तो क्वेश्चन में पहली कंडीशन ये द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, मतलब इन दोनों डिजिट को प्लस करेंगे तो 9 आ रहा है, तो पहली कंडीशन हो जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, ये तो सिंपल सी कंडीशन होगी। आगे आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, थोड़ा एक बार अच्छे समझे और लिखते हुए समझे, हमारा काम काफी टुकड़ों टुकड़ों में हो जाएगा। इसने कहा रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, अगर नंबर के डिजिट का ऑर्डर रिवर्स कर दे तो सबसे पहले रिवर्स करके देखे, इफ ऑर्डर इज रिवर्स, अगर ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो ये टेंस वाली हो जाएगी वंस की डिजिट और वंस वाली हो जाएगी टेंस की डिजिट। अब जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में बोला 32, तो ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो 23 हो जाएगा, मतलब 20 + 3 हो जाएगा, इसका मतलब पहले एक्स प्लस 10 वाई लिख रहे थे तो अब लिखना पड़ेगा हमें 10x + y, क्यों, क्योंकि ये वंस डिजिट तो टेंस हो गई है इसलिए 3 का मल्टीप्लाई, टेंस डिजिट वंस हो गई है इस कारण से 1 का मल्टीप्लाई, मतलब कोई भी मल्टीप्लाई नहीं। क्वेश्चन और आगे दिया था 9 टाइम्स दिस नंबर, जो हमारे पास ये नंबर है एक्स प्लस 10y, अगर इसका 9 टाइम्स करें इस ट्वाइस द नंबर वो ट्वाइस होगा, तो ये ट्वाइस होगा और इसका इसलिए इक्वल का साइन, ट्वाइस होगा मतलब 2 का मल्टीप्लाई, ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, और ऑर्डर ऑफ डिजिट अगर रिवर्स कर दे तो जो नंबर ऑब्टेन हो रहा है मतलब 10x + y इसका ट्वाइस होगा, तो ये बन गए हमारी सेकेंड इक्वेशन। इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 9x + 90y, 10 × 9 = 90, 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 20x + 2 का y में करेंगे तो 2y। वेरिएबल को एक तरफ हो, यहाँ पे सारे वेरिएबल है तो इन दोनों को इधर की साइड में भेज दे या इन दोनों को उठा के उस साइड में भेज दे, बात बराबर ही है, एक्स को पॉजिटिव रख के देख लेते, इस कारण से इसको मैं उस साइड में भेजा और जब मैंने दोनों चीज को उस साइड में भेज दी थी यहाँ कुछ भी नहीं बचा, इस कारण से 0 बच जाएगा, 20x + 2y जो कि यहां था 9x
यहाँ पे कोई भी साइन का नहीं था, मतलब प्लस साइन का था, इस साइड में जाएगा तो माइनस साइन का हो जाएगा, 9x प्लस का 90 था, इस साइड में माइनस का 90 हो जाएगा, इसे सोल्व करें तो 20x माइनस 9x हो गया 11x, और 2y माइनस 90 दोनों अलग अलग साइन के हैं तो माइनस हो जाएंगे, और 90 में से 2 माइनस करेंगे तो 88 आंसर आता है, और बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस का 88y, ये 0 के बराबर है। अब यहां देखेंगे हम तो वेरिएबल सेम करने के लिए बहुत बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर एक अच्छी बात दिख रही है कि यहाँ पे हम 11 को कॉमन निकाल सकते हैं और इस साइड में भेज सकते हैं। अगर 11 दोनों में से कॉमन निकाल के जीरो के साइड में भेजे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहेगा, कॉमन निकालने के कारण से उधर जाएगा डिवाइड में, और जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा, और यहाँ से 11 कॉमन निकालने के कारण से यहाँ पे बच जाएगा एक्स, और 11 एट से 88 होता है इसलिए यहाँ बच जाएगा 8y, तो इन दोनों से 11 को कॉमन निकाल दिया और जीरो के डिवाइड में भेज दिया, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। एलिमिनेशन मेथड यूज करनी है, इसका मतलब एक वेरिएबल इक्वल होना चाहिए, तो x इक्वल है तो इसे माइनस कर लेते हैं आपस में बिना कुछ चीज का मल्टीप्लाई किए बिना। इस बार बड़ी इक्वेशन दिख रही है ये वाली, तो 1 में से 2 माइनस करना है, इसका मतलब सत्य इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट 1 में से सेकंड माइनस करना है, तो 1 है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, और सेकंड है एक्स माइनस 8y इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट करना है माइनस करेंगे, x में से x माइनस क्या 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों प्लस के तो 8y और y हो जाएगा 9y इक्वल टू 9, y इक्वल टू हो जाएगा 9 डिवाइड में 9, मल्टीप्लाई में था y के साथ 9 तो डिवाइड में 9 हो जाएगा, 9 में 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो y इक्वल टू हो गया 1। अब y की इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, इसी इक्वेशन में पुट करके देख लो, इक्वेशन नंबर सेकंड में, इक्वेशन नंबर सेकंड थी x माइनस 8y और y की वैल्यू थी 1 इक्वल टू 0, 8 1 जहां 8 होता है वो माइनस का इस साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 8 और ये हो जाएगी x की वैल्यू, और क्वेश्चन में हमसे x या y की वैल्यू तो पूछी नहीं, उसने नंबर पूछा है, सो नंबर इज, नंबर क्या था हमारा, नंबर था एक्स प्लस 10y, एक्स प्लस 10y इसकी वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू थी 8 और 10 इंटू वाई की वैल्यू है 1, सोल्व करें तो 10 वन जा 10 और 8 होता है टोटल मिला के 18, तो यह हमारा क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है। एक बार अच्छे से ऐसे देख लेना और ऐसे क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस भी डाल लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो फोर्थ है, मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ रुपीज 2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली, तो मीना 2000 रुपए लेने के लिए गई है बैंक में, और उसने कहा है कि उसे केवल 50 के और 100 के नोट ही चाहिए, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, अब उसे टोटल मिलाकर 25 नोट्स मिले, बट हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 शी रिसीव, अब हमें बताना कि मीना को कितने नोट 50 के और कितने नोट 100 के मिले। सबसे पहले हम इसी बात को ले लें कि मीना को 50 के x और 100 के नोट्स y मिले होंगे, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 इक्वल टू x और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100 इक्वल टू y। अब कंडीशंस को देखें तो एक कंडीशन में कहा है कि वो टोटल मिलाकर 2000 रुपए लेने गई थी, 2000 रुपीज लेने गई थी, इसका मतलब अगर इन टोटल नोट को गिना होगा रुपीज 50 और रुपीज 100 के नोट्स को, टोटल मिला के 2000 हुआ होगा, और नोट्स की टोटल वैल्यू कैसे निकली जाती है वो नॉर्मली हम जानते हैं, मान लो हमारे पास 50 के 10 नोट है तो हम 50 इंटू 10 मतलब 500 रुपए मानेंगे, तो इस हिसाब से अगर उसके पास 50 के x नोट है तो हम उसे 50 इंटू x मानेंगे, और इंटू करने पर इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ऐसे 100 के लिए हम 100 इंटू वाई मानेंगे, मतलब 100 के हमारे पास 10 नोट है तो हम 100 इंटू 10 करेंगे मतलब 1000 रुपीज, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल मनी का पता पड़ जाएगा, और यहाँ पे बताया टोटल मनी है 2000। ये हो गई हमारी पहली क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक और बात बाद में कहिए कि उसके पास कुल मिलाकर 25 नोट्स आए, इसका मतलब
50 के नोट उसे x मिले और 100 टू से y मिले, तो टोटल x और y हो जाएगा 25। अब ये सॉल्व कर लेते एलिमिनेशन मेथड से, पर एक बार इस वाली लाइन को आपस से देखें तो हमें मिलेगा कि यहाँ पे भी हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे 50 जो कि लीस्ट नंबर है वो कॉमन निकल सकता है। अगर मैं यहां से 50 कॉमन निकालू तो यहां पे बचेगा केवल x, यहां पे बचेगा 50 2 100 मतलब 2 y इक्वल टू 2000। अब 50 यहां मल्टीप्लाई में इस साइड पे डिवाइड में चला जाएगा तो 2000 डिवाइड बाय 50 हो जाएगी x प्लस 2y की वैल्यू। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से 200 को काटेंगे तो 5 4 20 एन जीरो, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन तो लिखी रखी हमने। एलिमिनेशन में एक वेरिएबल को इक्वल करने की जरूरत होती है और जो कि यहाँ पे पहले से है तो केवल इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बड़ी इक्वेशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड माइनस करना है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट थी x प्लस 2y इक्वल टू 40, सेकंड x प्लस y इक्वल टू 20। सब्ट्रैक्ट करें, x में से x माइनस करेंगे जीरो, 2y में से माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस y करेंगे तो y, और 40 में से 25 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 15। तो हमें मिला y की वैल्यू 15। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू को हमें किसी भी एक इक्वेशन में रखना है, पर यहां पे ये इक्वेशन छोटी लग रही है तो इक्वेशन नंबर सेकंड में रख लेते हैं। इक्वेशन थी x प्लस y, y की वैल्यू 15 इक्वल टू 25। 15 प्लस का इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 25 में से 15 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा जो कि x की वैल्यू हो जाएगी। तो 100 के बाद हम लिख सकते हैं शी रिसीव्ड x मतलब 10 नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 15 नोट्स ऑफ रुपीज 100। ओके, अब अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़े जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज थereafter। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज व्हाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। एक लेंडिंग लाइब्रेरी के बारे में बताया गया है। लेंडिंग लाइब्रेरी मतलब जहां पे हम कुछ पैसा देके किसी बुक को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख सकते हैं और जितने दिन के लिए रखेंगे उतने पैसे हमारे लगेंगे, पर एक फिक्स चार्ज है जो हमें देना पड़ेगा। अब हमें ना तो फिक्स चार्ज पता है ना हर एक दिन का चार्ज पता है। एक बात क्लियर थी है कि जो फिक्स चार्ज है वो शुरू के 3 दिन के लिए लग रहा है, तो हम लिख सकते हैं लेट फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज इक्वल टू एक्स एंड एडिशनल चार्ज इक्वल टू वाई। अब हमें बताया था सरिता को ₹27 पे करने पड़ रहे जो कि पहली कंडीशन के हिसाब से हम लिख देंगे जो टोटल लगे ₹27 पे करने पड़ रहे फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। जब उसने 7 दिन के लिए उस बुक को रखा तो उसने 7 दिन के लिए बुक को रखा तो शुरू के 3 दिन के लिए तो उसका चार्ज लगा होगा x ये वाला, और बचे हुए दिन के लिए चार्ज लगा है y। पर y बचे हुए हर एक दिन का कॉस्ट है और हमने यहाँ पे केवल एडिशनल चार्ज लिखा है जो कि थोड़ा अधूरा है। यहाँ पे आना चाहिए एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे तो 7 दिन में से 3 दिन का तो चार्ज लग चुका है x, बचे 4 दिन और 4 दिन इसे y के हिसाब से पे करना पड़ेगा मतलब 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन देखे सुशी पेड ₹21 तो इसे पे करने पड़े ₹21 और इसे बुक रखिए 5 डेज 3 डेज के लिए तो उसको लगा x, बचे दिन 2 और 2 दिन को उसे y के हिसाब से चार्ज लगा। बढ़िया मान लेते क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब वापस देखें एलिमिनेशन से करने के लिए एक वेरिएबल सेम चाहिए था जो कि हमारे पास पहले से है x, तो इसे डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। बड़ी क्वेश्चन ये है
तो इक्वेशन फर्स्ट में से हमें सेकंड को माइनस करना है, मतलब एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू 27 में से एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 21 को माइनस करना है। एक्स माइनस करेंगे, एक्स में से जीरो बचेगा, फोर वाई में से टू वाई माइनस करेंगे तो टू वाई बचेगा, 21 माइनस करेंगे तो सिक्स बचेगा, और टू मल्टीप्लाई में वाई के साथ सिक्स के डिवाइडर में भेजेंगे तो आंसर आएगा थ्री, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी थ्री। और अगर y की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, छोटी इक्वेशन सेकंड लग रही इसमें पुट कर देते, तो x प्लस टू वाई था y की जगह आ जाएगा थ्री इक्वल टू 21, टू थ्री ज्यादा सिक्स, और सिक्स प्लस का हिस्सा में भेजेंगे माइनस में ताकि हम x की वैल्यू निकाल सके, तो 21 में से सिक्स माइनस करेंगे आंसर आएगा 15, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 15। तो हम लिख सकते हैं सो फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट थ्री डे इज रुपीज 15 एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे इक्वल टू रुपीज 3। और ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पे फिनिश होती है। अगली एक्सरसाइज में अगली मेथड मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के साथ वापस से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना, उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करना, एक बात अच्छे से ध्यान रखना, यू आर द बेस्ट।